हेलो एवरीबॉडी। तो यार आज हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड की तरफ से रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है द गर्ल ऑन दी ट्रेन। ये एक ऑफिशियली रीमेक मूवी है एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी का जिसका नाम था द गर्ल ऑन दी ट्रेन, और वो एक सक्सेसफुल हॉलीवुड मूवी है। लेकिन ये एक अनसक्सेसफुल वर्स्ट मूवी है बॉलीवुड की तरफ से, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को अब रीमेक बनाना बंद कर देना चाहिए सीरियसली। खैर उसके अलावा इस मूवी के अगर प्लॉट की बात करें तो कहानी शुरू होती है मीरा कपूर से, जो कि एक लॉयर है और साथ साथ मीरा प्रेग्नेंट भी है। अब कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके बाद मीरा की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। वो क्या है ये सब कुछ देखने के लिए तो आपको ये मूवी ही देखनी पड़ेगी। लेकिन ये मूवी देखने के बाद मैं बस सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। खैर उसके अलावा इस मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो यार कैरेक्टर को इतनी वाहियात तरीके से लिखा है कि आप किसी से भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हो। हालांकि ये मूवी ऐसी है कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर से एक इमोशनली फीलिंग होना चाहिए, तब जाके हम उनके पेन को फील कर पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हो पाया। खैर उसके अलावा मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है क्योंकि पूरी मूवी लंदन में शूट की गई, तो लोकेशंस बहुत बढ़िया और जिस तरीके से ड्रोन शॉट लिए गए बहुत ही लाजवाब लगते हैं। BGM की बात करूँ तो यार इतना लाउड BGM, इतना फास्ट BGM है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स कहीं और जा रहे हैं और BGM इसका कुछ और बज रहा है, और वहाँ पे इतना इरिटेट होता है वर्ड्स नहीं है। मूवी की एडिटिंग बहुत ही ख़राब की गई है यार, 2 घंटे की मूवी होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम लोग कितनी देर से मूवी देख रहे हैं। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार परिणीति चोपड़ा का परफॉर्मेंस मुझे डिसेंट लगा, क्योंकि कई कई जगह पे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी और कई कई जगह पे नॉर्मल था, तो इसलिए हम लोग डिसेंट कह सकते हैं। लेकिन अदिति राव हैदरी ने यहाँ पर लेट डाउन किया यार। मैं सोच रहा था कि यार वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इतना यार वर्ड्स नहीं है मेरे पास, इतना घटिया परफॉर्मेंस था। हालांकि एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोग पैसा दे रहे तो यार एटलीस्ट इतना तो एक्ट करो कि देखते हो मज़ा आए। मूवी का डायरेक्शन बहुत ही ख़राब है, एग्जीक्यूशन ऐसा है कि मतलब 1 घंटे के बाद मूवी देखने का मन ही नहीं कर रहा था, और क्लाइमैक्स तो गया भाड़ में, किसने क्या किया वो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब सिर्फ रिव्यू के लिए मैंने ये पूरी मूवी देखी है। पैरेंटल गाइडेंस की बात करेंगे तो यार कुछ एडल्ट सीन है, एकदम नाम के लिए एडल्ट सीन है, तो अगर आप लोग चाहो तो ये घर पे बैठ के देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3 out of 10, वो 3 भी मैं क्यों दे रहा हूँ मुझे घंटा भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस इतना बोलूँगा अगर आपको देखना तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो यार। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करो। आपको ये मूवी अच्छी लगी तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि जो मेरी ऑडियंस है उनको समझ में आए कि ये मूवी आखिर है कैसी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।